जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को लेकर बच्चे काफी चिंतित थे, काफी परेशान थे, काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रिजल्ट आएगा फाइनल ईयर सेकंड ईयर का, जिससे कि वो अपना काउंसलिंग, बीएड की काउंसलिंग या आगे अपना एडमिशन या जॉब के लिए वो अप्लाई करें। तो उसका भी इंतजार कम हो गया है, खत्म हो गया है। कुछ कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और आगे के लिए भी सीसीएस यूनिवर्सिटी ने संकेत दे दिए हैं कब तक रिजल्ट डिक्लेयर होना है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके किस किस कोर्स का रिजल्ट आ चुका है और किन कोर्सेज का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आज की अपडेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बीएड के नए सत्र के एडमिशन होने हैं 2021-23 के लिए, तो उसके लिए जो आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आज से आप अपना काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका 2 दिन रजिस्ट्रेशन चलेंगे, उसके बाद में फिर आपका जो कॉलेज फाइनल यानी कि कॉलेज लॉक होगा। तो उसके लिए यदि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है यानी कि आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप एलिजिबल हैं, तो उसके लिए आप आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों का कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था क्वेश्चन मेरे से और व्हाट्सएप कॉल उसके माध्यम से भी पूछा जा रहा था कि क्या कॉलेज की छुट्टी है। जी हाँ, 17 और 18 की 2 दिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ही बंद हैं, लेकिन जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग ऑनलाइन होनी है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है ओपन कर दिए जाएंगे। अब इससे आगे बात करते हैं जो हमारा नए सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। नए सत्र में आपका जो BA LLB है उसके लिए जो पोर्टल है वो 1 से 2 दिन में ओपन कर दिया जाएगा। उनमें उन्हीं कॉलेज के नाम होंगे जिन कॉलेजों के पास BCI यानी कि बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया का लेटर होगा। जिन कॉलेजों के बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के लेटर जब तक नहीं आएंगे तब तक वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर उन कॉलेजों के नाम नहीं चढ़ेंगे। तो उनका जो पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्द स्टार्ट कर दिए जाएंगे। BA LLB, BCOM LLB यानी कि जो आपका 5 ईयर LLB है, तो उसके रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द स्टार्ट करा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जिसको लेकर स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट में आपका BSc का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, BSc फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये जो आप रिजल्ट है आज दोपहर 12 बजे के बाद आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो बाकी कोर्सेज हैं, जो बाकी कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। आज और कल 2 दिन छुट्टी है, तो हो सकता है 22-23 तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 22-23 तारीख तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं। और जो BSc फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, 98% रिजल्ट रहा है। साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों का और रहता है कि सर हमें न्यूज़पेपर की कटिंग, जो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो नोटिस होते हैं वो कहां से मिल सकते हैं? तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। मैं पर डे जो भी एजुकेशनल अपडेट होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया की या जो एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें होती है वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपडेट करता हूं। यदि आपने अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।